हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो सबसे पहले तो आने वाले जो है स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो कल है, लेकिन आज से भी मैं बधाई दे रही हूँ सब लोगों को, क्योंकि जो है कोई भी देश से रिलेटेड जो यादगार दिन होते हैं किसी त्यौहार से कम नहीं होते हैं। तो इन्हें भी उतनी उत्सुकता, उतनी खुशी, उतने ही जोश के साथ में सेलिब्रेट किया कीजिए जितना हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन और बाकी के त्यौहार करते हैं। क्योंकि सबसे पहले, सबसे मेन हमारा देश है, उसके बाद हम देशवासी। जिन जिन दिनों की वजह से हम आज इतने सक्षम हो गए, इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि अपने त्यौहार अपने हिसाब से मना पा रहे हैं, तो इसलिए 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, किसी भी वीर शहीद की जयंती, देश से रिलेटेड, देश की आज़ादी से रिलेटेड कोई भी दिन हल्के में ना लें, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसको पूरी जोश उत्सुकता से मनाएं और लोगों को भी ये बात बताएं, ये जो है जोश जगाएं और लोगों में भी। तो सबसे पहले तो फिर से 15 अगस्त की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फिर, आज मैं फिर से हाजिर हूँ, काम नहीं रुकना चाहिए, उत्सुकता अपनी जगह और काम अपनी जगह। तो चलिए फिर आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं हाजिर हूँ। समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और जो है ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए साथियों, आज के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी टर्नर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गॉगिन। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जेरी कॉल्ट। अगला प्रश्न है, मेडुसा का वेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थियोडोर जेरी कॉल्ट। अगला प्रश्न है, साल्वाडोर डॉली का जन्म किस देश में हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी स्पेन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली में जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने कहा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, एडवर्ड मंच ने चार संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द स्क्रीम। अगला प्रश्न है, पॉल सेजान किस शैली के चित्रकार थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए रोमांटिक आंदोलन सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए वान गॉग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1900 की शुरुआत में। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास आल्टर ईगो नामक पक्षी था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैक्स अर्न्स्ट। अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण की विषय वस्तु बनाया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी डेगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉन्स्टेबल। अगला प्रश्न है, सिंगर्स एट द वार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए डेगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डॉली का लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साल्वाडोर डॉली, वो खुद ही थे। अगला प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैक्स बेकमैन, ऑटो डिक्स, लियोनेल फिरिंगर,
जॉर्ज ग्रोस। अच्छे से नोट कर लीजिए चारों नाम। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांजमार। अगला प्रश्न है, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यथार्थवाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रभाववाद। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी डेगा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पॉल गॉगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गैजेट का चित्र किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैन गॉग। अगला प्रश्न है, गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हॉलैंड। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉन कॉन्स्टेबल। अगला प्रश्न है, एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैन रे। अगला प्रश्न है, जाने माने कलाकार सल्वाडोर डॉली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अति यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, लुसियान फ्राइड 1922 से 1911, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्वाडोर डॉली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए अति यथार्थवाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यूरोपीय कला का भूदृश्य चित्रण कलाकार है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉन्स्टेबल। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रेटन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड मंच सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जर्मन पत्रिका दी स्टार में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑस्कर कोकोस्का। अगला प्रश्न है, ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गॉगिन। अगला प्रश्न है, प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली। अगला प्रश्न है, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टर्नर। अगला प्रश्न है, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एडवर्ड माने। अगला प्रश्न है, इनमें एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पियर बोनार। अगला प्रश्न है, ब्लू राइडर समूह ने किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन एक ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अगस्त मैके। अगला प्रश्न है, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी चित्र का कलाकार था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सल्वाडोर डॉली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ द होरट्टी 1784 या 1784 को डैश द्वारा बनाया गया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जैक्स लुइस डेविड। अगला प्रश्न है, टर्नर किसके लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे भूदृश्य चित्रकार है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय डैश का अर्थ व्यक्त करने की मांग की। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी भावनात्मक अनुभव सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए कला जो वास्तविक के बजाय भावना व्यक्त करती थी। अगला प्रश्न है, किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए आंद्रे ब्रिटेन सही हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को डैश द्वारा चित्रित किया गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड मंच सही हो जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ में आज के भी महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए हों, हमारे देश की जो है प्रधानता आपको समझ में आई हो, उसका महत्व आपको समझ में आया हो। वैसे तो बहुत सारे मेरे साथी जो शायद मुझसे उम्र तजुर्बे दोनों में बड़े होंगे, फिर भी आप सबके साथ में अपनी उत्सुकता, अपना जोश, अपनी भावनाएं देश से जुड़ी बांट लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।